बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज़ के बेटे और नवाज़ शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नवासे जुनेद सफदर की शादी मारूफ बिजनेसमैन सैफुर्रहमान की बेटी आयशा से हुई हैं। उनके हवाले से दावा सामने आया है कि नवाज़ शरीफ ने अपने नवासे को ऐसा तोहफा शादी के मौके पर दिया है कि जानकर पाकिस्तानियों के होश उड़ जाएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मरियम नवाज़ के साहिबजादे जुनेद सफदर की शादी तय हुई थी और उनकी शादी की तकरीबात का आगाज़ लंदन में हुआ है। उनकी शादी में मरियम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन सफदर शिरकत नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन पर पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं और उनका नाम ECL में डाला गया है। तो दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ वहाँ पर उनकी शादी को खूबसूरत बनाने के लिए मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ ने अपने नवासे को कीमती तरीन तोहफा शादी के तौर पर गिफ्ट किया है। कहा जा रहा है कि लंदन के इंतहाई पुरतआइश इलाके में अपने नवासे जुनेद सफदर को शादी के तोहफे के तौर पर वहां पर एक खूबसूरत घर खरीद कर दिया है। तो दूसरी जानिब एक ये दावा भी सामने आया है कि मर्सिडीज़ की नई एडिशन की गाड़ी जो पाकिस्तानी रुपये में 4-5 करोड़ रुपये में आती है, वो शादी के तोहफे के तौर पर नवाज़ शरीफ ने अपने नवासे जुनेद सफदर और उसकी अहलिया आयशा को तोहफे में दी है।